कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विवादित बयान देते हुए कहा कि शिवराज भूखे नंगे परिवार के हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन गया, यही पीड़ा कांग्रेस की है। क्या गरीब के परिवार में पैदा होना गुनाह है? कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। वो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। ये सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। हमारे कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बेमाई, वो का जाने पीर पराई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।